Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Parneet. I hope you all are doing good. So today in this video lesson, we are going to discuss reading module. Yes, the important tips and tricks which are required to improvise your reading. Number one is interest and concentration. Guys, yes, interest and concentration goes simultaneously when it comes to your reading. Dekho, इंटरस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक रीडिंग करने तो पहला। अगर थोड़ा इंटरस्ट नहीं है दैन रीडिंग कदे भी वधिया परफॉर्म तुसी नहीं कर सकते, तुसी कदे भी चीज़ां नू ग्रैस्प नहीं कर सकते, थोड़ा डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आएगा। सो नंबर वन इज टू बिल्ड अप योर इंटरस्ट। And guys, always try to perform the reading when your mind is totally fresh, like in early mornings. जो साड़ा mind fresh है, ये नहीं कि साड़े mind दे विच होर चीज़ां चल रही हैं, like I'm nervous, I'm tensed, किसे होर matter नू लेके या फिर किसे होर personal चीज़ नू लेके, उस time ते reading बिल्कुल भी ना करो। अगर reading करोंगे, answers तो नहीं मिलेंगे, but थोड़ा confidence जरूर low हो जाएगा, boost नहीं होएगा। And second thing is concentration. As I have said earlier, these both go simultaneously. Interest build up hoega, then only you could concentrate on the passages. Concentration banegi, full focus, mind in all reading perform karoge, then you could grasp the things easily and you can find the answers very, very conveniently. सो गाइज, नाउ मेक श्योर जो भी रीडिंग परफॉर्म कर रहे हो पहला थोड़ा इंटरस्ट बनना चाहिए। जिहड़े टाइम ते रीडिंग कर रहे हो पहला सोचो कि मेरा इंटरस्ट है, मैं फुल प्रिपेयर हैगा रीडिंग परफॉर्म करन दे लई या नहीं हैगा। दैन वर्क ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन, वर्क ऑन योर फोकस। Second important tip is to improvise your reading skills. Yes, it plays a very crucial role to improve your reading, to improve your reading score. Now, how you could improvise your reading skills? Only by reading something, yes. अगर कुछ ना कुछ पढ़ते रहोंगे, कितों ना कितों चीज़ां नू ग्रैस्प करते रहोंगे, then only you could improve your reading skills. Guys, हुण मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा तुसी न्यूज़पेपर ही पढ़ो रीडिंग नू इंप्रूव करन दे लई। जिस चीज़ दे विच तुहाडा इंटरस्ट है, लाइक इफ यू आर एन एडवेंचरस परसन, तो तुसी एडवेंचरस नॉवल्स उहदे रिलेटिड कोई बुक्स ने वो पढ़ सकते हो। तुसी हिस्ट्री नू लाइक करते हो उस तरह के नॉवल्स पढ़ो, मीनस जिहदे विच तुहाडा इंटरस्ट है, जो चीज़ तुहानू बोर नहीं कर रही पढ़ते पढ़ते, नॉट ओनली न्यूज़ पेपर्स, तो तुसी सिर्फ वो स्पेसीफिक चीज़ नू ही पढ़ो, वो स्पेसीफिक चीज़ से फोकस करो। जदों तुसी पर्टिकुलर चीज़ पढ़न लगोंगे, सपोज मैं कहाँ कि मैनू स्टोरीज बहुत पसंद ने, मैनू हॉरर चीज़ा पसंद ने, हॉरर मूवीज़ आई लाइक, हॉरर स्टोरीज़ आई लाइक, तो मैं हॉरर नॉवल्स पढ़ने स्टार्ट करते, वो पढ़ते पढ़ते मेरा इंटरस्ट बिल्ड होएगा, मेरी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होनी। एंड व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग दीज थिंग्स, वो किस तरह मैं इंप्रूव कर पाऊंगी? देखो, जो तो मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ, कोई नॉवल पढ़ रही हूँ, दैन आई केम टू नो अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि किस तरह सेंटेंसिस बनते हैं, किस तरह उन्होंने तो उन्होंने लाइन्स बनाई ने। सेकेंड इज पढ़ते पढ़ते आई कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, है ना, मैं डेली मैं न्यू वर्ड्स मिलेंगे, वाइड रेंज ऑफ वोकैबलरी मैं मिलेगी, सिनोनिम्स वोकैबलरी ते मेरा वर्क होएगा, तो ये चीज़ा भी मेरिया सारिया ब्रश अप होनगियां। सो उहदे नाल मैनू ये दो बेनीफिट्स मिलेंगे, लाइक आई केम टू नो अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड वाइड रेंज ऑफ वोकैबलरी। सो ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर रीडिंग स्किल्स, वैदर यू आर रीडिंग न्यूज़ पेपर, नॉवल्स, बुक्स, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े ते डिपेंड करता है, बट वो चीज़ पढ़ो जिदे विच थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरस्ट है, जिन्हों पढ़ के तुसी बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे। एंड गाइज, बिलीव मी, एनी मेहनत तुहानू करनी पएगी, तुहानू थोड़ा टाइम कटना पएगा, चाहे हाफ एन आवर कटो, 15 मिनट्स कटो, 20 मिनट्स कटो, यू हैव टू रीड समथिंग टू इम्प्रोवाइज यूर रीडिंग स्किल्स। देखो, रात में सौन तो पहला तुसी अपनी रूटीन बना लो कि मैं डेली सौन तो पहला अद्धा घंटा कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, वो बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिलेगी। एंड बिलीव मी गाइस, दिस थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू इन द लॉन्ग रन, यू विल रियलाइज लेटर ऑन एंड थैंक मी लेटर ऑन। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। यस, साडा इंटरेस्ट बन गया, कॉन्सेंट्रेशन आ गई, फोकस बन गया, रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो गया, नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये ना सोचो कि मैं हुण तां इस तरह ही रीडिंग करूंगा, रीडिंग दे लई 60 मिनट्स मिलते हैं, मैं 1.5 घंटा कर लूंगा, 2 घंटे दे विच करूंगा, कि मैं हौली हौली जो एग्जाम होएगा ना, जो एग्जाम भरता उस तो 1 वीक पहला मैं अपना टाइमर ऑन करके रीडिंग करूंगा। नो गाइज, इस तरह बिल्कुल भी ना करो, ये ब्लंडर होएगा। स्टार्टिंग द 2-3 डेज आर मोर देन सफिशिएंट टू नो अबाउट द ईच क्वेश्चन टाइप। तो 2-3 डेज के समझ आ गया कि कहड़े क्वेश्चन ने किस तरह आते हैं, सो दैन टाइमर ऑन करके हमेशा अपनी रीडिंग करें। यस, वी ऑल आर अवेयर विल गेट 60 मिनट्स टू परफॉर्म वन रीडिंग इन विच विल गेट 3 पैसेजेस, पैसेज 1, पैसेज 2 एंड पैसेज 3। हूँ असी की बनाया होंगे कि विल स्पेंड 20 मिनट्स ऑन द पैसेज 1, 20 मिनट्स ऑन द सेकेंड एंड
24th गाइज इस तरह ना करो बिकॉज जेड़ा पैसेज वन हुंदा इज द मोस्ट ईजीएसट एंड पैसेज थर्ड इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। तो खुद सोचो इक्वल टाइम मैनेजमेंट के नाल तुसी किस तरह परफॉर्म कर लोगे एंड जदों तक पैसेज थर्ड आना है ना उदों तक असी बोर भी हो जाने, सानू टेंशन भी थोड़ी थोड़ी बनन लग जाती है, दिमाग से नर्वस हो जाने, तो थर्ड पैसेज के लिए तुहाडे कोल ज़्यादा टाइम होना जरूर चाहिए। सो माई रिकमेंडेशन इज फर्स्ट पैसेज से हमेशा तो ही जो तो प्रैक्टिस करते हो 15 मिनट्स तो ज़्यादा कदे भी स्पेंड ना करो, 17-18 फॉर द सेकेंड एंड एटलीस्ट यू शुड हैव 25 मिनट्स फॉर द थर्ड पैसेज सो दैट तुसी उन्हों इजीली कंप्लीट कर पाओ। एंड यस सेव योर लास्ट 2 मिनट्स फॉर प्रूफ रीडिंग गाइस, प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इना सोचो कि रीडिंग कर रहे हैं सारा कुछ देख के ही लिखना है, लाइक अगर फिलिप्स आए या कुछ भी आए वो सानू देख के ही लिखना है, ये ब्लंडर ना करो। कई बार की होंगे असं देख के भी चीज़ों गलत लिखते हैं, समटाइम्स तुम मिसटेक्स कमिट कर सकते हो, लाइक उन्होंने की किया कि उन्होंने फिलिप्स दिते एंड उन्होंने क्वेश्चन के तुम्हें किया कि यू शुड राइट आंसर फ्रॉम ए टू ई लिखने से, बट तुम्हें की लिखता फिलिप्स में सीधा चैक के उन्होंने वर्ड्स ही लिखते, बट लिखना की सी अल्फाबैट्स लिखने से, या फिर तुम स्पैलिंग कोई देखिया पैसेज के विचों तो उन्होंने लिखते लिखते ही ई की जगह ए पाता, आई की जगह ई पाता, ठीक है। तो ये चीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दें, हमेशा प्रूफ रीड भी करो अपनी रीडिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रही हूँ। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू ओवरकम योर फोबिया। गाइस हम सानू सारियां नू एक फोबिया है, पता नहीं किथों साडा ये माइंडसैट बन चुकिया है कि मैनू पहला तो ही डर लगता है। मैं हले आयल्स करनी स्टार्ट नहीं की थी, बट मेरे किसी सीनियर ने दसिया या किसी जूनियर ने दसिया या किसी रिलेटिव ने दसिया कि भाई रीडिंग तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं होंगी, तो स्टार्टिंग तो ही मेरे मन के फोबिया बन गया रिगार्डलैस कि मैं रीडिंग के वधिया हाँ कि नहीं, ये नहीं मैं पता, ये मैं देखिया भी नहीं, मैं सोचा भी नहीं, बट मेरे मन के एक फोबिया। सो ट्राई टू ओवरकम दिस फोबिया। एंड सेकेंड थिंग इज ए भी फोबिया स्टूडेंट्स के मन के आई एम फ्रॉम PSCB बोर्ड, पंजाब स्कूल बोर्ड तो हाँ, मैं तो रीडिंग नहीं होएगी, नाल वाला CBSE तो है वो रीडिंग कर लेगा। गाइज ए फोबिया, यू कुड परफॉर्म रीडिंग, यू कुड स्कोर बैटर, यू कुड स्कोर योर डिजायर बैंड स्कोर, कदों अगर तुम हार्डवर्क करोगे कंसिस्टेंसी के नाल परफॉर्म करोगे, बट ए फोबिया स्टार्टिंग तो ही ओवरकम करो। देखो फोबिया पहला कदे भी किसी भी चीज़ के लिए पहला कोई माइंडसैट ना बनाओ, रीडिंग लो परफॉर्म करो, 1-2-3 डेज लो, इवन 1 week लो इफ यू आर अ बिगनर, दैन डिसाइड करो कि रीडिंग हो रही है या नहीं हो रही या फिर कितने डिफिकल्टी आ रही है एंड हाउ आई कुड इम्प्रूव दीज थिंग्स। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस। यस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गाइस हूँ सारा कुछ तो पता है किस तरह करना है किस तरह नहीं करना, कितना टाइम किहड़े क्वेश्चन ते किहड़े पैसे ते डिवोट करना है, कॉन्सनट्रेशन दे नाल करना है, इंट्रस्ट दे नाल करना है, बट अगर रेगुलर प्रैक्टिस रीडिंग की नहीं करोगे दैन इट वुड बी अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। बिकॉज देखो अगर रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो तुम्हें चीज़ा समझ नहीं आनगियां, ग्रैस्प नहीं आनगियां। सो नंबर वन इज ट्राई टू मेनटेन योर कंसिस्टेंसी। ये नहीं है कि मैं एक दिन रीडिंग कर ली, सैकेंड डे नहीं की, फिर मैं थर्ड डे करूँगा, या फिर मैं सोच लिया कि मैं रीडिंग के ठीक ठाक हाँ एंड जो मैं एग्जाम भरता उस तो 1 week बिफोर ही मैं रीडिंग की प्रैक्टिस करूंगा, ये वाला माइंड सैट ना बनाओ, स्टार्टिंग तो ही प्रैक्टिस करो। एंड यस ये सैकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन टाइप्स। गाइज सारे क्वेश्चन टाइप्स की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, वैदर इट्स MCQs, इट्स ट्रू फॉल्स, मैचिंग हैडिंग, सो एंड सो फोर्थ। देखो सारे की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो, ठीक है, एंड प्रैक्टिस करते करते यू विल कम टू नो बाय योर सैल्फ किहड़ी चीज़ तुहानू डिफिकल्ट लग रही है। लैट से तुहानू ट्रू फॉल्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो उन्होंने ट्वाइस और थ्राइस प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, बाकियों की एक बार प्रैक्टिस बहुत है। एंड हमेशा तो फुल रीडिंग ही परफॉर्म करो, ये ना करो कि मैं अज पैसेज वन कर लिया या सवेरे पैसेज वन कर लिया शाम पैसेज टू करूंगा, 2-3 डेज इस तरह लै सकते हो अगर स्टार्टिंग के हैक्चुअल नहीं हो तुम्हें रीडिंग थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, बट आफ्टर 1 week और आफ्टर 3-4 डेज ट्राई टू कंप्लीट फुल रीडिंग। एक बार बैठ गए तो फुल रीडिंग करके ही उठो विद टाइमर ऑन। आई एम प्रीटी श्योर दैट दीज थिंग्स विल वर्क फॉर यू, दीज टिप्स एंड ट्रिक्स विल वर्क फॉर यू, बिकॉज इन्होंने सारे ने मैनू भी बहुत हेल्प किया इन गेटिंग 9 band। यस अगर मैं लै सकती हूँ तो तुम भी लै सकते हो, बट बाय फॉलोइंग दीज टिप्स एंड ट्रिक्स पहले तो ही माइंड के बना के रखो। सो आई होप इट इज क्लीयर। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।